यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट शनिवार को घोषित कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लखनऊ स्थित लोक भवन के मीडिया सेंटर से नतीजों की घोषणा की, जिसमें 10वीं में 83.31% और 12वीं में 74.63% स्टूडेंट पास हुए हैं। हाई स्कूल में बड़ौद बागपत की रिया जैन ने 96.67% मार्क्स के साथ टॉप किया है, जबकि इंटरमीडिएट में बड़ौद बागपत के अनुराग मलिक ने 97% मार्क्स के साथ टॉप किया है। वहीं गोरखपुर जिले में जंगल कौड़िया विकासखंड में स्थित एएन सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलुआ सिहोरवा गोरखपुर इंटर के छात्र अभिषेक सिंह ने 87.40% पाकर जिला टॉप किया है। अभिषेक सिंह शुरू से मेधावी छात्र के रूप में कक्षाओं में रहता था। विद्यालय में उचित मार्गदर्शन तथा उत्कृष्ट शिक्षा का एक प्रमाण छात्र ने इंटरमीडिएट परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर दिया है। छात्र की सफलता के लिए विद्यालय परिवार की तरफ से प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगे भी इसी तरह उच्च स्थान प्राप्त करता रहे। छात्र अभिषेक सिंह ने बताया कि उनकी इच्छा है कि सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होकर देश की सेवा करने की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अभिषेक सिंह ने बताया, मेरा नाम अभिषेक सिंह है, मैं इंटरमीडिएट का छात्र हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने गुरुजन, अपने माता पिता सभी का नाम रोशन किया और मुझे अपने नंबर से बहुत खुशी है। हालांकि कुछ नंबर कम रह गए, मैं आगे प्रयास करूंगा कि कोशिश करूं कि उससे भी ज़्यादा अंक लाऊं और अपने ज़िले, अपने गांव, अपने शहर, अपने राज्य का नाम रोशन करूं। और कारण बता दूं कि मैं सुबह में 4 घंटे पढ़ता था और रात में 4 घंटे पढ़ता था और पढ़ाई के दौरान मैंने 1 महीने खूब मेहनत की और मुझे जो टॉपिक नहीं समझ आया मेरे स्कूल के अध्यापकगण और जो मेरे बड़े भाई बहन थे उन्होंने मेरा सहयोग किया और मैं जितना पढ़ के जाता था उतना मैं लिख के आता था। और मेरे स्कूल एन सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलुआ सिंगोरा गोरखपुर, मैं इस स्कूल के सभी अध्यापकों का बहुत ही ऋणी हूँ कि जिन्होंने मुझे हर तरह से सहयोग दिया और खास करके प्रधानाचार्य महोदय जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि बाबू आप ये कर सकते हो और उन्होंने हमें हमेशा ही प्रोत्साहन दिया।